धन्यवाद देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। करीब 40 आदरणीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री ए नवनीत कृष्णन जी, श्री डेरेक जी, श्री डी राजा, श्री शरद यादव जी, श्री सीताराम जी, श्रीमान अहमद भाई और अभी श्रीमान आनंद शर्मा जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और भी जिन माननीय सदस्यों ने विषय रखा है उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। ज़्यादातर जो चर्चा रही है वो डीमोनेटाइजेशन के आसपास रही है। इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये बुराई आई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में जड़ें जमा दी है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते और इसलिए भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए लड़ाई नहीं है और ऐसा सोचने का कारण भी नहीं है। और इसलिए किसी ने इस विवाद को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। इस सदन में हम सबका दायित्व बनता है कि हमने इसके खिलाफ जो भी हम लोगों की संविधान की मर्यादाएं और जो हमारी बुद्धि परमिट करती है हमने करना चाहिए। और ये भी सही है कि सारे पैरेलल इकोनॉमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीन लिया जाता है और मध्यम वर्ग का शोषण होता है। अब ऐसा नहीं पहले कोई प्रयास नहीं हुए होंगे, पहले भी कुछ प्रयास हुए होंगे, अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये प्रयास भी अगर और अधिक प्रयासों की ओर ले जाता है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर तक हम कब तक इन समस्याओं को लेकर के कारपेट के नीचे सब चीजें डाल करके अपना गुजारा करते रहेंगे। और इसलिए जहां तक एक विषय चर्चा में आता है कि जाली नोट की चर्चा, जो आंकड़े प्रचारित हैं वो आंकड़े वो हैं जो जाली नोट बैंक तक पहुंचे हैं उसका हिसाब किताब है। ज्यादातर जाली नोट कभी बैंक के दरवाजे तक न जाए उस व्यवस्था से चलते हैं और आतंकवाद, नक्सलवाद इसको बढ़ावा देने में इसका उपयोग भी होता है। कुछ लोग बड़े उछल उछल करके कह रहे हैं कि आतंकवादियों के पास से 2000 की कुछ नोटें मिली थी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में ये जब नोटबंदी के बाद का जो कालखंड था, बैंक लूटने का जो प्रयास हुआ और उसमें भी नई नोट लेकर के जाने का प्रयास हुआ वो जम्मू कश्मीर में हुआ, क्योंकि जाली नोटों पर स्थिति बनने के बाद रोजमर्रा के कारोबार के लिए उनके सामने दिक्कत आई। और जो नोट बैंक लूटने के कुछ ही दिनों के बाद जो टैरिफ मारे गए उसमें वो नोट हाक लगी, तो इसका सीधा सीधा संबंध है। इसको हमने समझना चाहिए और कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे लोगों के पक्ष में अपना विचार क्यों रखें, कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ हमने एक स्वर से लड़ना ही पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति को
ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। आदरणीय सभापति जी, बहुत वर्षों पहले एक वांछू कमेटी बनी थी और नोटबंदी के आर्थिक जरूरतों के संबंध में उन्होंने उस समय श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चव्हाण उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई हमको तो राजनीति में है, चुनाव वुनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी, गोडबोले जी के, आपको आपको गोडबोले जी जो यशवंतराव चव्हाण के बैठ जाइए। अच्छा होता, प्लीज प्लीज सिट डाउन, एक मिनट प्लीज सिट डाउन, एक मिनट प्लीज सिट डाउन। अच्छा होता गोडबोले जी की इस किताब पर, भाई बैठ जाइए, सुन लीजिए पहले, एक मिनट एक मिनट आनंद जी, मेरा पूरा करने के बाद आप खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज, आप प्लीज आप एक बार भाई बैठ जाइए आप, प्लीज सिट डाउन, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। आरोप नहीं है प्लीज। गोडबोले जी की किताब जब छपी, अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या, क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे? अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। लेकिन आपने नहीं किया। आज जब गोडबोले जी की किताब की चर्चा हो रही है तो आपको जरा, लेकिन आज द स्पीच इज ऑन रिकॉर्ड, आज उसकी स्थिति थोड़ी और आगे बढ़ी है। बैठ जाइए प्लीज। जब वांछू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, इंटरप्ट लाइक दिस, जब वांछू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था तब काला धन नगद वहीं तक समस्याएं सीमित थी। आज काला धन, आतंकवादी संगठन, जाली नोट का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, हवाला का कारोबार, ये जीवन के कई क्षेत्रों तक फैल चुका है, इसलिए उसकी व्यापकता बड़ी है। जिस समय 8 नवंबर को निर्णय किया तो जाली नोट का वापिस आने का सवाल ही नहीं उठता था। कोई छोटी बैंक होगी और अगर साधन नहीं होगी, अगर घुस गया होगा तो रिजर्व बैंक तलाश करेगी, लेकिन जाली नोट का तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो गई और इसलिए उसके हिसाब अगर किसी के पास है तो आश्चर्य होता है कि वो कैसे है इनके पास। जाली नोट तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो जाती है। और सबसे बड़ा इसी का कारण हुआ है। और आपने एक टीवी खबर भी देखी होगी, दुश्मन देशों में जाली नोट का जो बहुत बड़ा कारोबार करने वाले को आत्महत्या करनी पड़ी थी, ये टीवी न्यूज पर बहुत बड़े दिन चला था। आप देखिए हमारे देश में 30-40 दिवस में 700 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया हो 30-40 दिन में, ये पहली बार हुआ। ये नवंबर दिसंबर के दरमियान 40 दिन में करीब 700 लोगों ने सरेंडर किया है और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चल रही है। अगर माओवादी सरेंडर करें
उसका संतोष इस सदन में किसी को ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ मतलब और है। उसी प्रकार से अब उसमें तो आप ज्यादा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भी बात सही है कि देश के फॉर्मल व्यवस्था में धन होना बहुत जरूरी है। 1000 की नोट छपने के बाद सामान्य चलन में जाती ही नहीं थी। 500 की नोट बहुत कम जाती थी, 1000 की नोट बहुत कम जाती थी, और बंडल के बंडल का कारोबार चलता रहता था। यह हकीकत है, इस हकीकत का हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब इतनी बड़ी करेंसी बैंकों के पास आई है तो स्वाभाविक है कि बैंकों की सामान्य व्यक्ति को पैसे देने की ताकत बढ़ेगी। ब्याज दर एक साथ सभी बैंकों ने ब्याज दर कम किया हो वो पहली बार हमारे देश में हुआ था। बैंक का लाभ सामान्य लोगों के लिए, यहां पर असंगठित कामदारों की बात हो रही है। सचमुच में आप लोगों से, खास करके सीताराम जी और उनकी पार्टी से, तो ये अपेक्षा रहेगी कि असंगठित कामदारों को उनके वेतन के संबंध में सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हकीकत है कि जितना कहा जाता है उतना दिया नहीं जाता, दिया जाता है उसमें भी बाहर एक आदमी खड़ा रहता है वो कट लेता है, ये बीमारियां हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी बुरी बीमारियां से हम परिचित हैं, और इसलिए अगर ये व्यवस्था हम खड़ी करते हैं तो उस श्रमिकों का लाभ मिलेगा। समय रहते ईपीएफ के साथ भी जुड़ेंगे, ईएसआईजी स्कीम के साथ भी जुड़ेंगे, श्रमिकों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा इसके कारण संभव बनने वाली है, और उस दिशा में हमारा प्रयास है। असम के टी बागान का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। वहां की सरकार ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, चाय बाग में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने बैंक के खाते खुलवाए, करीब 7 लाख। मोबाइल ऐप पर उनसे कारोबार करना सिखाया। शुरू में यूनियन वालों ने मना किया, नहीं कैश पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाकी चीजें जुड़ी हुई थी। इसके कारण इन चाय बागान के मजदूरों को पूरा वेतन मिलने लगा, कट गया, और उस इलाके में उनका कारोबार सुरक्षित हुआ। एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूं कि इसको हमने उसी प्रकार से नोटबंदी के संबंध में कोई विदेशी अखबार को कोट करते हैं, कोई विदेशी अर्थशास्त्रियों को कोट करते हैं। एक ऐसा फलक है कि अगर आप 10 कोट करेंगे तो मैं 20 कर सकता हूं, आप अगर 10 महापुरुषों के कोट कर सकते हैं 20 कर। ये इसलिए हो रहा है कि विश्व में इसका कोई पैरेलल ही नहीं है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा और इतना व्यापक निर्णय कभी हुआ नहीं, और इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों के पास भी इसका लेखा जोखा करने का कोई मापदंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। और भारत ने कितना बड़ा निर्णय किया है इसका भी उसी प्रकार से जन सामान्य, देश की जनशक्ति क्या होती है, और इस सदन में बैठे हुए सभी महानुभाव से कहना चाहता हूं कि इस नोटबंदी के बाद समाजशास्त्री जरूर अध्ययन करेंगे, पहली बार देश में हॉरिजॉन्टल डिवाइड उभर करके आया है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड कहता हूं,
जनता जनार्दन का मिजाज एक तरफ और नेताओं का मिजाज दूसरी। वे जनता से इतने कटे हुए हैं, वो जनता से इतने कटे हुए हैं, पहली बार हमें संतोष होना चाहिए। आम तौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार आमने सामने रहती है, बाय एंड लार्ज कोई भी सरकार हो। ये पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे लेकिन सरकार और जनता साथ साथ। उसी प्रकार से इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए। हो सकता है आपकी कठिनाइयां कुछ होगी, लेकिन इस बात को हमने समझना होगा और विश्व के सामने हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा। हम ये भी जानते हैं, मेरा एक मिनट सर, सॉरी, ऐसे चलते रहेंगे क्या? Should we accept it? I also have some experience. Yes, that's what I'm saying. Is the running comment allowed in the house? Honorable, is the running comment allowed in the house? Please. Is the running comment allowed in the house? मर्यादा है, संस्कार होना चाहिए। सभापति महोदय जी, प्लीज साइलेंस। आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है, हम तो पिछले सत्र में साइलेंस प्लीज। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे, ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 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 30-35 साल से, शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। करीब करीब प्लीज 30-35 साल से Please. जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ गए। Stop interrupting, please. Please sit down. जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा
जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो, और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और इसलिए Please sit down. Please maintain the decorum of the house. डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में? हम लोग चुप रहे भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? I request you, please. I request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister Which was called record as Gaddafi. Record? Yes, it happened in the house. The same party. Appropriate same action people. Would have been taken. What are they trying to preach us? Please don't do this. Don't do this. हमको सिखाए मत. Let us concentrate on outside the house. Proceedings now. Please, Venkaiah ji. I'm very sorry, sir. I am very sorry, sir. The chair should keep the sentiments of all sides of the house. They have insulted the Prime Minister. Are you suggesting that it is not? Are you suggesting that? Lord, I never said it. You understand our pain. I understand the Prime Minister who has been elected. Will you please sit down, Venkaiah ji? And these people call Prime Minister please by name. Sit down. They are divided. Everybody sit down. Everybody sit down. No, go back to your place. Just go back to your place. Everybody sit down. Please. That's enough. Please sit down, everyone. Please, everyone, sit down.
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी, और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं। लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे, और आज हम देखते हैं देश में कहीं एक छोटा अकस्मात भी हो जाए तो भी 2-4 गाड़ियां जला दी जाती है, कहीं बस भी लेट आ जाए तो भी 1-2 बस जला दी जाती है। ये बाय लार्ज क्या प्रभाव होंगे वो तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसी कोई घटना उन्होंने होने नहीं दी। और पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों के इस सामर्थ्य को हमने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हमें इसकी बात करनी चाहिए, और तभी जाकर के मैं समझता हूं कि इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार के सोचते हैं। मैं आज एक और बात भी उल्लेख करना चाहता हूं, ये मसला ऐसा था, हम और सीताराम जी की विचारधारा अलग है तो विचारों की प्रस्तुति अलग हो बस स्वाभाविक है, लेकिन ये एक ऐसा विषय था जब मैं सोच रहा था तो मुझे पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल हमारे साथ रहेगा, इस काम में हमारे साथ रहेगा, और उसका कारण था, कारण ये था, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु 1972 में उन्होंने वांछू कमेटी का रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए बड़ी मांग की और बहुत बड़ा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी, आखिरकार वो एक कॉपी ले आए, उन्होंने खुद ने टेबल पर रखी, उन्होंने खुद ही ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को टेबल पे रखा, प्राइवेट मेंबर कहते, और उनका जो भाषण हुआ था उस दिन वो आज भी बहुत प्रस्तुत है। उन्होंने कहा था 26 अगस्त 1972, सर 12 नवंबर 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारिशों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है, उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है, इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया बल्कि 1.5 साल तक दबाए भी रखा गया। ये ज्योतिर्मय बसु जी ने 26 अगस्त को 1972 को कहा था। दोबारा 4 सितंबर 1972 लोकसभा में भाषण करते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है,
मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। ये 1972 की बात मैं कर रहा हूं जी। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 4 सितंबर 1972 को ये कहा है। इतना ही नहीं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त 1981 इसी सदन में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा, काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या सरकार वाकई कोई गंभीर कदम उठाना चाहती है? क्या 100 रुपये के नोट को बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं? ये सवाल सुरजीत जी ने भी इसी सदन में 1981 में उठाया था। और इसलिए खास करके लेफ्ट से मेरा आग्रह है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, और आप देंगे, मैं आशा करता हूं। आप अपने विचार व्यापक रूप से जरूर रखते रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसा है कि जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते, आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, बात पे कर देना भैया। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास, कहीं से आ जाओगे। बैठिए प्लीज सीताराम जी। ये तो समय बताएगा। प्लीज सीताराम। ये बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने कड़े फैसला लेना, आमतौर पर लोग मानते हैं भाई पॉपुलिस्ट कदम लेना ये लोकतंत्र का स्वभाव बन जाता है, शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के करना स्वभाव बन जाता है। और इसलिए इतना बड़ा फैसले को समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है, तो उसमें मैं किसी का दोष नहीं देता हूँ। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, जो आज इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि इतना बड़ा फैसला, कितना बड़ा देश का भला करने की संभावनाएं लेकर के आया है और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर डिजिटल व्यवस्था के संबंध में चर्चा हो रही है, मैं हैरान हूँ जो जितने भाषण हुए सामने से, इस देश में ये नहीं है, टिकना नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टॉयलेट है तो पानी नहीं है, पता नहीं जात जात का बोल रहा। मैं सोच रहा था ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है वो 70 साल के हिंदुस्तान की सरकारों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। जो भी बोल रहे थे ये नहीं है तो 70 साल का ये रिपोर्ट कार्ड है। आज 70 साल में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 साल का ही है। ये हमने, हाँ आपने टॉयलेट बनाया तो मैंने ताला लगा दिया क्या? आपने रोड बनाया तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया क्या? आपने पानी का नल डाला था और मैंने आकर ट्यूब काट दी क्या? ये हकीकत है। कोई ये नहीं कहता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में डिजिटल व्यवस्था है, कौन कहता है? सवाल ये है कि माइंडसेट बदलने के लिए जहां संभावना है वहां हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लीजिए दिल्ली शहर में संभावना है, चलो भाई दिल्ली से शुरू करो, हम लोग पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूट करो, बिहेवियरल चेंज का विषय है। अगर कलकत्ते के लोगों के पास मोबाइल फोन है, कलकत्ते में लोगों के पास अगर डिजिटल कनेक्टिविटी, वहीं से शुरू करो। हो सकता है दूर सुदूर बांग्लादेश की बॉर्डर के गाँव में नहीं होगा, ये कहना। और दूसरा, हम इस बात का तो गीत गाते रहते थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, टिकना कर दिया, अब जब उसको लागू करने की बात आई तो हमें तकलीफ हो रही है। आवश्यकता है। दूसरा, हम शब्दों का खेल खेलते हैं, हर कोई मानता है भाई, किसी भी बच्चे को पूछो भाई स्कूल डेली जाते हो, किसी को भी, आपके भी संतानों को मैं पूछूंगा तो ये कहेंगे हाँ डेली जाता हूं, लेकिन मुझे भी मालूम है, उसको भी मालूम है, संडे को नहीं जाता है, सबको मालूम है। तो ये स्वाभाविक,
उसी प्रकार से देश में कैशलेस का मतलब है धीरे धीरे समाज को इस प्रकार की पेमेंट की दिशा में ले जाना। दुनिया में आज भी बड़े बड़े समृद्ध देश भी चुनाव करते हैं तो बैलेट पेपर छाप करके थप्पे मार के चुनाव करते हैं। जिस दिन को अनपढ़ माना जाता है, ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बटन दबा करके वोटिंग करता है। जिस दिन बटन दबाने की व्यवस्था आई होगी, किसी ने सोचा होगा कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी हड़प कर सकता है? यानी कि हम अपने देश की शक्ति को कम ना आके, हाँ हमको लगता है कि ये रास्ता ही गलत है तो ठीक है, लेकिन असुविधा है तकलीफ है इसलिए छोड़ देना वो सही नहीं है। असुविधा होगी, व्यवस्थाएं कम होगी, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के अंदर कुछ लोग कहते हैं दुनिया में कोई देश है क्या? दुनिया के कई देश, मैं हैरान हूं, आनंद शर्मा जी कह रहे थे, आप आश्चर्य होगा, कोरिया ने डिजिटल जाने के लिए जो इंसेंटिव स्कीम बनाई है इतनी बड़ी मात्रा में आई, ये कह रहे हैं आप करोड़ों रुपया डिजिटल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो। अब जो भीम ऐप बनाई है, भीम ऐप में एक नए पैसे का खर्चा नहीं है, बिना खर्चे ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक रुपये का किसी बैंक को किसी को कोई कमीशन नहीं जाता है। और इसलिए दुनिया पेपरलेस प्रिमाइसिस लेस बैंकिंग की तरफ जा रही है, भारत को पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। हमने भी, हाँ हो सकता है हमारी व्यवस्थाएं कम होगी तो देर थोड़ा सा दो साल और ज्यादा लगेगा, 5 साल और लगेंगे, लेकिन शुरू करना या ये दिशा गलत है ये विचार मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं होगा। हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए, अपने अपने इलाके में भी लोगों को हमने समझाना चाहिए और उस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए हमारे देश में रेलवे सामान्य मानवी जाता है, आज 60-70% रेलवे में ऑनलाइन बुकिंग होने लगा है, उनका पेमेंट ऑनलाइन, अगर वो टिकट कैंसिल करते हैं तो ऑनलाइन पैसा वापस जा रहा है। आज बहुत से परिवार हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको अगर बिजली का बिल भरना है, पहले बिजली का बिल भरने के लिए आधे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी और जाकर के दफ्तर में, आज वो घर में रात को 12 बजे आकर के अपने मोबाइल फोन से बिजली का पेमेंट दे रहा है। सुविधा बढ़ती चली जा रही है। अगर ये सुविधा वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी के तरीके से मिलती है तो हमने, हाँ उसकी कमियों की चिंता जरूर करनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल भी कोई कमी आती है तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन ये कल्पना ही गलत है। अगर ये नेगेटिविटी लेकर के हम चलेंगे तो हम देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं। रुपए कार्ड अभी अरुण जी बता रहे थे, इस देश में जनधन अकाउंट के साथ 21 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड दिए हैं और आपको अंदाज नहीं है इसका ताकत क्या होती है। आम तौर पर जेब में ये कार्ड होना ये बड़ा प्रेस्टिजियस बन गया एक वर्ग के लिए, पेमेंट करना तो कार्ड से निकालना, ये भी हवा बन गई, ये गरीब का तो विषय ही नहीं है जी। अभी मुझे अनंत कुमार जी बता रहे थे, वो बेंगलोर से आ रहे थे तो उनके साथ कोई आईटी प्रोफेशनल कोई बैठे थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर की घटना सुनी, बोले उनका ड्राइवर बहुत खुश है इस डिमोनेटाइजेशन से। तो बोले क्यों? बोले देखिए आज कोई बड़ा आदमी कार्ड रखता है, मैं भी कार्ड रखता हूँ, वो कार्ड दिखाने लगा, उसका बड़ा आनंद था। अब देखिए ये समाज के सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी एक बदलाव की व्यवस्था, एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है, जिसके घर में एक साइकिल भी नहीं आती है ना उस खुशी से समान ही पता है, मोटरसाइकिल आ जाती है, जिसके पास स्कूटर हो अगर कार छोटी सी लाता है पुरानी भी लाता है वो गर्व करता है। हमने समाज के छोटे छोटे लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उस एस्पिरेशंस को पूरा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए और उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कितना बड़ा फायदा हुआ है, मैंने उस सदन में विस्तार से कहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया जो कभी लीकेज होते थे और हर वर्ष होते थे अब तक बचा पाए और आगे पता नहीं कितने बच पाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कॉलरशिप जैसे में एक ही व्यक्ति 6 जगह से लेता है, विधवा पेंशन, जो बेटी का जन्म नहीं हुआ वो विधवा भी हो गई और चेक भी कट रहे थे, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण ये जो लीकेज थे और बिचौलिए ले जाते थे इसमें बहुत बड़ा देश का खजाना जो लूटा जा रहा था उसमें रोक लगी है। तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का भी
इसके कारण फायदा हुआ है और हमें कोशिश करनी चाहिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए। हम जितना प्रयास करते हैं हमारा करते रहना चाहिए। सरकार ने उस व्यवस्था को विकसित करना, पॉस मशीन की आवश्यकता, बहुत तेजी से पॉस मशीन बढ़ाए जा रहे हैं, मोबाइल पेमेंट के लिए ई वॉलेट के लिए प्रमोशन हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग की तरफ काम चल रहा है, आधार बेस्ड पेमेंट, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है सिर्फ आधार के आधार पर कोई मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना पेमेंट दे पाएगा, वो दिन दूर नहीं होंगे। और इसलिए इस व्यवस्थाओं को या तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करें और अपनी टीमों को इसमें लागू करने के लिए प्रयास करें। भीम ऐप बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनी है, भारत सरकार के छत्रछाया में बनी है, और अगर भीम ऐप को जितना पॉपुलर करेंगे तो कोई व्यापारी या कोई बाहर की एजेंसी को कोई लेना देना नहीं होगा, सीधा सीधा एक एनेबल प्लेटफॉर्म है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं, हमने इसको करना चाहिए। अब देखिए ड्राइवर जो हाईवे पर जाता है, हम जानते हैं कि व्हीकल रुकने के कारण कितना खर्चा हमारे पेट्रोल डीजल का होता है। 8 नवंबर के बाद उस पर भी बल थोड़ा दिया गया कि भाई ड्राइवर एक टोल टैक्स पर गाड़ियां अपना टैक्स देने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के जरिए, पहले इक्के दुक्के लोगों के पास वो व्यवस्था थी, इतने कम समय में आज करीब करीब 20% ट्रैफिक ये RFID के द्वारा पेमेंट करता है। कार आती है सीधा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बैंक में डिलीवर हो जाता है, उसको रुकना नहीं पड़ता, चली जाती है। ये अगर बढ़ेगा देश का कितना पेट्रोल बचेगा, और हमारे देश में टोल टैक्स पर ये स्थिति बनी है। उसी प्रकार से पेट्रोल पंप पर करीब करीब 29% 30% लोग आज डिजिटल करेंसी से काम करना शुरू कर दिए हैं। हमने चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई, उसका अंतरिम रिपोर्ट आया है, उसका अध्ययन हो रहा है, फाइनल रिपोर्ट उनका आने वाला है। लेकिन हम बदलाव के लिए तैयारी करें, और मुझे लगता है कि एक विषय बैंकिंग सिस्टम, अगर आप कुछ भी कहते हैं तो फिर मैं कहता हूं वो रिपोर्ट कार्ड है, पुरानी कार्यकाल का वो रिपोर्ट कार्ड है। इस सरकार ने आकर के सबसे पहले तो एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की रचना की छह, ताकि बैंकों में जो डेट, इस सरकार ने इनिशिएटिव लिया, बैंकों में जो अपॉइंटमेंट होती थी उसके लिए कोई नियम नहीं थे, ऐसे ही चल रहा था, घिसीपिटी व्यवस्था थी। इस सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वही रिक्रूटमेंट करती है, उसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर वगैरह, बैंकिंग व्यवस्था को प्रोफेशनलिज्म लाने का हमने प्रयास किया है। बैंक और फाइनेंस जगत, बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक वर्ल्ड, इनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 दिन की गई, हमारे देश की बैंकिंग को ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड में कैसे लाया जाए, विस्तार से उन्होंने आत्ममंथन किया, चिंतन किया, अपनी कमियों को भी समझा, ठीक करने का प्रयास किया। रिजर्व बैंक की गरिमा, मैं समझता हूं कि मुझ पे हमला हो, हमारी पार्टी पे हमला हो, सरकार पे हमला हो, बहुत स्वाभाविक है, वो चलता रहेगा अपना, लेकिन रिजर्व बैंक को घसीटने का कोई कारण नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर को घसीटने का कोई कारण नहीं। हमने ऐसी इंस्टीट्यूशन की मान मर्यादाओं का पालन करने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए, और इसके पहले गवर्नर थे तब भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, मैंने उसका भी विरोध किया था कि शोभा नहीं देता, ऐसी चीज़ों को विवादों से परे रखना चाहिए। बाकी सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहेगी, उसको हमने करना चाहिए। अर्थव्यवस्था चलाने में रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी की दिशा में हम लोगों का पॉजिटिव सक्रिय योगदान होना चाहिए। लेकिन जो लोग रिजर्व बैंक की गरिमा और इस सरकार को जब आरोप लगाते हैं, तो मैं जरा उनको आज कहना चाहता हूं, और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुब्बा राव, उन्होंने किताब लिखी है हु मूव माई इंटरेस्ट रेट, और उस किताब में उन्होंने लिखा है 2008 में
तत्कालीन वित्त सचिव के तहत एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट कमेटी को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से मैं नाराज और परेशान था। चिदंबरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के विषय के क्षेत्र में ओवरस्टेप किया था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पूरी तरह से रिजर्व बैंक का फंक्शन है। ना केवल उन्होंने इस विषय पर मुझसे परामर्श भी नहीं किया, लेकिन अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह निर्णय मेरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हम दोनों के बीच असहज संबंध के लिए टोन सेट करेगा। रिजर्व बैंक के एज गवर्नर ने पुरानी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और किताब में छापा है, और अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि आज हमें ये उपदेश देते हैं। जरा वे भी अपने को आपको जरा गरेबान में देखें, और मैं मानूंगा कि हम राजनीति से इसको परे रखें, इस इंस्टीट्यूशन का गौरव करने की दिशा में प्रयत्न करिए। और हमने क्या किया है, आरबीआई की ताकत बढ़े उसके निर्णय इस सरकार ने आकर के किए हैं। हमने आरबीआई एक्ट संशोधन करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की। ये कई वर्षों से उसकी चर्चा चल रही थी, कोई नहीं कर रहा था, हमने की। इस समिति को मॉनेटरी पॉलिसी संचालन की पूरी स्वायत्तता दी गई। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के दो अधिकारी के अलावा तीन विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। इस समिति में केंद्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है। और इससे बड़ी स्वायत्ता, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी स्वायत्ता कोई कल्पना नहीं कर सकता है इस सरकार ने आरबीआई को दी है, और उसके कारण आरबीआई की ताकत को बढ़ावा मिला है। ये बात सही है, कई विषयों पर यहां चर्चाएं हुई हैं। कोई सरकार सोने के लिए तो आती नहीं है, पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ करने का तो प्रयास किया होगा। हम ये तो नहीं कहते किसी ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं, मैं लाल किले पर से बोला हूं, लाल किले पर से, और हिंदुस्तान के और किसी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं है जो मैंने बोला। मैंने कहा है देश आजाद हुआ तब से जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, जितने लोग काम किए, इस सबका योगदान है तब देश आज यहां पहुंचा। हम ऐसे लोग नहीं है, बल्कि मुझे मालूम है और तो नाम लेने से कतराते हैं, उनको पसंद नहीं आता है कि कोई और ने भी कुछ काम किया उसका उल्लेख तक करे, और इतिहास गवाह है। लेकिन ये बात सही है कि इस सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर बहुत काम किया। छोटे छोटे निर्णय लगेंगे, लेकिन निर्णय ने सामान्य मानवी की ताकत को बहुत बढ़ावा दिया है। हमने एफिडेविट की प्रथा दी, एमपी के घर, एमएलए के घर, कॉरपोरेटर घर, लोग आकर के सुबह खड़े हो जाते हप्पा मरवाने के लिए, क्यों लग जाती थी, और वो न देखता था कुछ नहीं, एक क्यून बैठता था या कोई साथी कार्यकर्ता बैठता था, वो थप्पे मार देता था। हमने उस सर्टिफिकेट को सेल्फ एटेस्टेशन की व्यवस्था कर दी, और उसके कारण वो संकट में से भी सामान्य मार, क्योंकि आज फाइनल जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाएगा, जेरोक्स का जमाना है, इस सब करने की क्या जरूरत है। नॉन गैजेटेड में हमने इंटरव्यू खत्म कर दिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा तय होगा कि जो अपने उसके मेरिट होंगे, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, उसके कारण करप्शन गया। 1100 से अधिक कानून को खत्म किया, इसी दो सदनों ने खत्म किया। सीनियर पोस्ट पर नियुक्ति, कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे हैं, पहली बार मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट हो रही है। पुराने प्रक्रिया सारी मेरा तेरा सब चला गया है, और इस पर कई न्यूट्रल अखबारों ने बहुत अच्छे आर्टिकल भी लिखे हैं। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा लीकेजेस को रोका गया है। पहले कंपनी रजिस्टर करनी होती तो 24 घंटे, सात 15 दिन, दो महीने लगते थे, आज 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर हो सकती है, ये व्यवस्था की। पहले पासपोर्ट पाने में महीने लग जाते थे, आज पासपोर्ट एक हफ्ते के भीतर देने की व्यवस्था की है, और अब पोस्टल में जो हेड ऑफिस है उसको भी पासपोर्ट ऑफिस में कन्वर्ट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका भी लाभ
सामान्य मानवीय को मिलने वाला है और उस दिशा में हमारा प्रयास है। हम ये भी जानते हैं कोयले की नीलामी कितना बड़ा विषय था, आसानी से सरकार ने उसको लागू कर दिया, पारदर्शिता को लाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है जिसकी अभी चर्चा काफी हुई नहीं है, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूं। सरकार का जो खरीद करने की परंपरा होती है उसमें हम लोगों ने जेम GEM इसको लॉन्च किया है, और जिसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और इस व्यवस्था को वर्ल्ड बैंक के साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और उसमें दुनिया में जिसको भी सरकार को देना होगा वो ऑनलाइन आते हैं, अपना लिस्ट रखते हैं और सरकार उसमें से तय कर सकती है। इतनी आर्थिक लाभ भी हुआ है, और 5,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना हो तो इस GEM के माध्यम से कर सकते हैं। उस दिशा में हमने व्यवस्था की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुड गवर्नेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से एक पारदर्शिता लाने की दिशा में हम बड़ी सफलता पाए हैं। इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक नई योजनाएं बनाई, और हर योजना में उज्ज्वला योजना, हम जानते हैं गैस का सिलेंडर का क्या जमाना था, MPs को 25-25 कूपन मिला करती थी और उन 25 कूपनों को लेने के लिए लोग कतार लगाते थे, वो भी दिन थे। 2014 के चुनाव में 9 सिलेंडर दें या 12 सिलेंडर दें उस पर चुनाव का मुद्दा लड़ा गया था। ये सरकार की कार्य संस्कृति में कितना फर्क है, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा ये सपने में कभी सोच नहीं सकती थी, अब तक करीब करीब 1,63,00,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का पूरा इरादा है, देश में 25 करोड़ परिवार हैं, 5 करोड़ गरीब परिवारों के पहुंचाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं के नाम घरों का रजिस्ट्रेशन कानूनी व्यवस्था की है। मनरेगा में 55% महिलाएं आज काम करने की है जो पहले 40-42-45% हुआ करती थी। और मुद्रा योजना में बैंक से पैसे दिए जाते हैं, विदाउट गारंटी दिए जाते हैं, पैसे लानों में 70% महिलाएं हैं, यानी एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे देश की महिलाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम दक्षिण भारत में कुछ मात्रा में चलता था, लेकिन पूरे भारत में और ईस्टर्न इंडिया में उसको बढ़ावा देने की दिशा में भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए 6,000 रुपया प्रसूता में IMR MMR के लिए इस बात को लागू करने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत बड़ी मात्रा में उसको स्वीकृति मिली है, सामाजिक आंदोलन बना हुआ है। उस सुकन्या समृद्धि योजना, 1 करोड़ अकाउंट बच्चियों के नाम पर खुले हैं और 11,000 करोड़ रुपया जिनको भविष्य के लिए एक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। महिला शक्ति केंद्र, 500 करोड़ की लागत से 14,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में इसकी स्थापना हुई है। मिशन इंद्रधनुष, बच्चे टीकाकरण नहीं होता था, सरकार चलती थी, टीकाकरण के कार्यक्रम होते थे, 55,00,000 बच्चे ऐसे ध्यान में आए कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था, मिशन इंद्रधनुष के कारण उन बच्चों को खोजा गया, उनकी जिंदगी बचाने की दिशा में काम किया गया और उनको ग्रामीण क्षेत्र में, यहां पर मैं हैरान था, स्वच्छता की मजाक उड़ाई जा रही थी, क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। हम में से कोई नहीं है जो गंदगी में रहना चाहता है, और हम ये भी जानते हैं कि स्वच्छता ये बिहेवियर का इश्यू ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके साथ आता है, लेकिन अगर हम, और मैं कहूंगा हम राजनेता कभी कभी कम पड़ रहे हैं, मैं इस देश के मीडिया का अभिनंदन करना चाहता हूं कि स्वच्छता के आंदोलन उसने उठा लिया, आज सब मीडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए इनाम दिए जा रहे हैं, फंक्शन किए जा रहे हैं स्वच्छता के संबंध में आज हिंदुस्तान का, वरना सरकार के किसी भी कार्यक्रम में
मीडिया नेगेटिव करे वो बहुत स्वाभाविक है। ये एक अपवाद कार्यक्रम ऐसा है कि जिसको सरकार से भी राजनेताओं से भी दो कदम आगे मीडिया के लोग गए हैं और स्वच्छता को एक आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास किया है और मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस सदन के माध्यम से, क्योंकि ये और यहां कोई खड़ा होकर कहता है टॉयलेट है पानी नहीं है। महात्मा गांधी भी इस बात के लिए बड़े आग्रही थे। मुझे तो डर लगता है कभी आज महात्मा गांधी होते और स्वच्छता की बात करते और हम लोग यही भाषा बोलते क्या? क्या ये क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या समाज में बदलाव लाने के लिए कोई सकारात्मक कोई चीज कर ही नहीं सकते? हर चीज में हम विरोध करेंगे। और इसलिए हमारे लिए और मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटेशन कवरेज जो पहले 42% था इस आंदोलन के बाद वो 60% पहुंचा है। और हम जब ये बात करते हैं टॉयलेट की, आप कल्पना कर सकते हैं गांव की महिलाओं के या शहर में भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है महिलाएं कितनी पीड़ा होती है। अंधेरा नहीं होता तब तक वो शौचालय नहीं जा सकती। ये दर्द दर्द होना चाहिए। ये तूतू मैमे का विषय नहीं है, लेकिन जब मजाक उड़ाते हैं कोई बहुत पीड़ा होती है। ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन 181 24 घंटे इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया। 18 स्टेट्स एंड यूटीज इन्होंने इस महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। महिलाओं की पुलिस में भर्ती 33% और कुछ राज्यों ने भी स्वीकार किया है, यूटी के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है। और एक हरियाणा ने एक नया प्रयोग किया है जिसको हिंदुस्तान में और लोग करें, मैंने प्रेजेंटेशन किया है सबके सामने, और उन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क खड़ा किया है जो इस प्रकार से लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। एक नई स्कीम उन्होंने शुरू की है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है एक पैनिक बटन के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। किसानों का सशक्तिकरण, इस सरकार ने अनेक कार्यक्रम उठाए हैं जिसके कारण, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमें पसंद आया ना, लेकिन किसान को सुरक्षा देनी है तो हमें उसको उसकी इनकम के एश्योरेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ इरिगेशन की सुविधा बहुत कम है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही वो डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में अगर बो नहीं सकता है तो भी, और कटाई के बाद भी अगर बर्बाद होता है तो भी, अगर इंश्योरेंस मिलता है, और मुझे खुशी है कि कुछ प्रोग्रेसिव राज्यों ने 40-40, 50-50% किसानों का उन्होंने इंश्योरेंस का काम किया है। और सरकार ने भी करीब करीब किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इस फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है। पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत पीछे हैं। ये चिंता का विषय है, इसको आगे बढ़ाना है। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी बाद में करते हैं सर जी, एक बार हो जाए आपको तो मैं जिंदगी भर सुनूंगा बैठिए। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी, यूरिया का उत्पादन, देखिए नीम कोटिंग के कारण दो महत्वपूर्ण लाभ हुए। एक तो जमीन को तो फायदा हो ही रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले किसान के नाम से सब्सिडी कटती थी, बिल किसान के नाम से फटता था, लेकिन वो केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में चला जाता था। जो सिंथेटिक मिल्क बनाते थे वो भी यूरिया का उपयोग करते थे। 100% नीम कोटिंग करने के कारण जमीन के सिवा उसका कहीं उपयोग संभव ही नहीं रहा है, चोरी गई है। यूरिया की खपत की कोई आज न यूरिया का ब्लैक मनी हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं आती है, यूरिया के लिए कतार नहीं लगती है, यूरिया के लिए किसी को परेशानी नहीं हो रही। छोटे से परिवर्तन भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे देश में दाल का उत्पादन पल्सिस, इस सरकार ने उसको प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किया और उसका परिणाम यह है कि आज करीब करीब 50-60% वृद्धि की संभावना इस बात पैदा हुई है। हमारे देश के किसानों ने सरकार के आह्वान को स्वीकार किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस काम को उन्होंने कहा है। ईनाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 500 मंडियों में, अब किसान जहाँ भी ज़्यादा दाम से माल बिक सकता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकता है।
500 मंडी में मोबाइल फोन के द्वारा आज मेरा किसान अपना व्यापार कर सके इस स्थिति बनी है। करीब 250 मंडियों ने इस काम को पूरा कर दिया है। राज्यों ने कुछ कानून बदलने थे, कुछ राज्यों ने कानून बदले हैं, लेकिन हमारे हम जानते हैं फूड प्रोसेसिंग, हमारे किसान को लाभ तब होगा जब हम फूड प्रोसेसिंग पर बल देंगे। सरकार ने 100% FDI अलाउ किया है ताकि फूड प्रोसेसिंग को मदद मिले और वैल्यू एडिशन हो ताकि हमारे किसान को ज़्यादा इनकम हो, और उस दिशा में हम काम करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों का सशक्तिकरण, करीब करीब 28 विभाग कहीं न कहीं उसका आदिवासी के साथ संबंध आता था। हमने पहली बार एक ट्राइबल सब प्लान के तहत राशि तो बढ़ा दी, लेकिन वनबंधु कल्याण योजना के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनकर के आउटकम दिखाई दे उस दिशा में काम करने के लिए सफल प्रयास किया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको मजबूती से लागू करने की दिशा में हमने काम किया है। और ट्राइबल एरियाज में पहली बार, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मिनरल्स हैं, माइनिंग है, वो ज़्यादातर ट्राइबल बेल्ट में हैं, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन हो, चाहे और हो, लेकिन वहाँ लाभ नहीं मिलता था। पहली बार सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया और जो वहाँ से खदान से निकलता है उस पर टैक्स लगाया। मुझे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मेरे 7 जिले ऐसे हैं कि जहाँ से जो खनिज निकलता है, ये आपने योजना की है, फाउंडेशन बनाया है, उसके कारण उन जिलों के विकास के लिए मुझे अब एक्स्ट्रा बजट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी मात्रा में राशि उन गरीब आदिवासियों के काम आने वाली, उसको हमने काम किया है। हमने रर्बन मिशन जो चलाया है, उसका सबसे बड़ा लाभ आदिवासी क्षेत्र में होने की संभावना है। आदिवासी इलाके में एक बड़ा मार्केट प्लेस डेवलप होना चाहिए। मार्केट प्लेस डेवलप होता है तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम आती है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी आती है, वहाँ पर और एंटरटेनमेंट की सुविधा, मार्केट डेवलप, धीरे धीरे अगल बगल के 50-100 गांव का वो केंद्र बन जाता है उस पूरे इलाके में पर। और रर्बन के द्वारा ट्राइबल बेल्ट में 300 ऐसे नए शहर बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, और ये आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा एक काम होगा। उसी प्रकार से स्वच्छता मैंने प्रारंभ में किया था, स्वच्छता एक जन आंदोलन बनना चाहिए। जन आंदोलन बनाने की दिशा में हम सबका कोई ना कोई योगदान होना चाहिए। जब से हमने स्वच्छता के लिए रैंकिंग करना शुरू किया है, इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा किया है, शहरों के बीच में अब स्पर्धा शुरू हुई है। एक शहर अगर आगे गया तो दूसरा शहर उस शहर को टोकता है कि देखो वो शहर तो आगे हो गया, हम क्यों सफाई नहीं करें। एक धीरे 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 ये बात नीचे तक जाने लगी है, हम लोगों ने उसको बल देना चाहिए। और हर एक ने, मैं तो चाहूँगा जिस पॉलिटिकल पार्टियाँ, हमारे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं ना कहीं सरकार चलाने का इन दिनों अवसर मिला है, कोई नगर पालिका में होंगे, कोई जिला पंचायत में होंगे, कोई राज्य में होंगे, आप अपनी पार्टी की जो सरकारों में सेवा करने का अवसर मिला है, आप उनके बीच तो कॉम्पिटिशन कीजिए भाई। कम्युनिस्ट रूल जितने शहर है वो उनके बीच स्वच्छता की स्पर्धा कीजिए, कम्युनिस्ट रोल जितनी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उनके बीच स्पर्धा कीजिए, एक वातावरण बनेगा। बीजेपी रूल स्टेट होंगे तो वहां के नगर पालिकाएं कॉम्पिटिशन करें। एक बार हम इस कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये स्वच्छता का अभियान सफल होगा। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जन आंदोलन होना चाहिए। ये युगों की आवश्यकता है, बिहेवियरल चेंज की आवश्यकता है। और हम जानते हैं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि करीब करीब अस्वच्छता के कारण हेल्थ के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। अगर हम इतनी केयर करें, देश के 2.5 लाख करोड़ रुपया, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है हिंदुस्तान के संबंध में, गरीब मानवी को तो करीब करीब एक साल का 7,000 रुपया खर्चा आता है, और गंदगी से बीमारी आना बहुत स्वाभाविक है, हम इसको बचा सकते हैं। अब बच्चों को हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, ये हर कोई मानता है। लेकिन अब हम कहें, कोई कहेगा वहां तो पानी नहीं है, वहां तो नल नहीं है, वहां तो ढिकना नहीं है, बच्चा कुएं पर जाएगा, अरे ऐसे थोड़ा सोचते हैं। ये जो सोच है, इसी सोच ने देश को यहीं दबोच के रखा हुआ है। अरे जरा कुछ सोचे तो सही, निकले तो सही,
कठिनाइयां आएंगे तो रास्ते निकलेंगे, लेकिन हम घर में बैठ करके वहां बच्चों को हम हाथ धोने के लिए कह रहे हो लेकिन वहां डिकना नहीं फलाना नहीं, ऐसे देश बदलता नहीं जी। और इसलिए जो मैं इस मानसिकता से देश का हम बहुत नुकसान कर रहे हैं और इस मानसिकता से हमें बाहर आना चाहिए। दुनिया में हम देखें हमारे अड़ोस पड़ोस के देश, चाहे साउथ कोरिया देखें, चाहे मलेशिया देखें, थाईलैंड देखें, सिंगापुर देखें, छोटे छोटे देश, उन्होंने 15-15 साल लगा दिए स्वच्छता के लिए, 15 साल, और आज हम लोगों के लिए वो एक नमूना रूप मॉडल के रूप में वो नजर आते हैं। क्यों हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकते? हमारा भी तो सपना होना चाहिए कि छोटे छोटे देश अगर वे हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या लगता है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, किसी शहर ने कहा है, शहर तुम्हारा कातिल तुम, शाहिद तुम, हाकिम तुम, मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें हम जरा बाहर आए। एक और विषय करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस काम को हम 31 अक्टूबर को लॉन्च किया, सरदार पटेल की जयंती पर लॉन्च किया। हमारे देश में दुनिया के किसी राज्य के साथ सिस्टर स्टेट बनना, सिस्टर सिटी बनना, ये तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन हम अपने ही देश के अलग अलग लोगों से मिलने के लिए आदत नहीं बनी। हमने ऐसे प्रकार से कर दिया कि जिसके कारण कई राज्यों को लगने लगा हमारी उपेक्षा हो रही है। आवश्यकता है कि हमारे देश के पोटेंशियल को हमें पकड़ना चाहिए। हमने कोशिश की है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, और मैं चाहूंगा एक सदन में जो लोग हैं इसको समझने का और आगे बढ़ाने में मदद करें। जैसे दो राज्यों के बीच में एमओयू करते हैं, अभी कोई 12 राज्यों ने एक दूसरे के साथ शायद कर लिया है, कोशिश ये है जैसे हरियाणा और तेलंगाना ने किया है, तो हरियाणा में तेलुगु भाषा के 100 sentences हरियाणा के लोग बोलना सीखे, हॉस्पिटल कहाँ है, रिक्शा कहाँ मिलेगी, होटल कहाँ है, बस स्टेशन कहाँ है, पुलिस थाना कहाँ है, ये अगर सीखने को मिलेगा, और तेलंगाना के लोग हरियाणा की भाषा सीखे, हरियाणा में कभी तेलंगाना का फिल्म फेस्टिवल हो, हरियाणा का फिल्म फेस्टिवल तेलंगाना में हो, क्विज कंपटीशन हो, तेलंगाना की क्विज कंपटीशन हरियाणा के बच्चे उसमें स्पर्धा लें, हरियाणा के बच्चे तेलंगाना की स्पर्धा में लें, एक प्रकार से देश को जानने का अभियान, देश से जुड़ने का। और ये जितना हम बढ़ाएंगे, ये कभी कभी लगता है हिंदी भाषा में कभी कभी कुछ शब्द भी नहीं होते, लेकिन तमिल में उस अच्छा शब्द होता है लेकिन हम परिचित नहीं है, मराठी में बढ़िया शब्द होता है, बांग्ला में बहुत बढ़िया शब्द होता है, हम परिचित। हमारे देश की इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को जोड़ने की दिशा में एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अभियान चलाने की दिशा में प्रयास चल रहा है। मैं फिर एक बार सभी आदरणीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आपने मुझे समर्थन देने के लिए बात करने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, और राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को मेरा समर्थन देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शरद जी आप कुछ कहने वाले थे। ऑल राइट जस्ट वन मिनट शरद जी। आप कुछ कह रहे थे जी। सर मैं ये कह रहा था जब किसानों के बाबत प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, सिट डाउन इन द डिस्कशन ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन